राज्य में सियासत का एक अनूठा मिजाज रहा है। यहाँ पर हुक्के की गुड़गड़ाहट के संग सियासी समीकरण बनते रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री देवीलाल अपने संघर्ष के दिनों में अक्सर महम चौबेसी के चबूतरे पर पहुंच जाते थे और हुक्के की गुड़गड़ाहट के बीच चुनावी चर्चा और समीकरण तय करते थे। अब गांव की चौपालों से सियासत का यह सफर इंटरनेट तक पहुंच गया है। राज्य में इस समय 90 लाख के करीब इंटरनेट यूजर्स हैं। इनमें से 60% से अधिक युवा हैं। मतदाताओं की संख्या के लिहाज से देखें तो राज्य के कुल 1,80,00,000 मतदाताओं में से 81,00,000 18 से 39 आयु के नौजवान हैं। जी हाँ, ये युवा फेसबुक ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। नेता लोग भी फेसबुक पर हैं। फेसबुक या साइट पर सियासत पर खूब चर्चा होती है। इन दिनों चुनावी मौसम है और फेसबुक पर भी सियासी जंग तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर अपने अपने दलों के नेताओं के गुणगान वाले गीतों से लेकर चटपटे जोक्स, व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के अलावा कई तरह के वीडियो भी पोस्ट किए जा रहे हैं। दरअसल आंकड़ों के नज़रिए भी देखें तो इस समय राज्य में करीब 90 लाख से अधिक इंटरनेट यूज़र्स हैं। 2011 की जनगणना आंकड़ों के मुताबिक ही राज्य में कंप्यूटर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या करीब 2,48,000 थी। इनमें 35,000 ग्रामीण जबकि 2,13,000 शहरी क्षेत्र के लोग शामिल थे। जी हाँ, इसी तरह से राज्य में करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों के पास मोबाइल है। एक कंपनी की ओर से कुछ वक्त पहले किए गए सर्वे के अनुसार मोबाइल पर हर तीसरा व्यक्ति इंटरनेट का प्रयोग करता है। मसलन राज्य की हालिया वोटर सूची के अनुसार राज्य में 18 से 29 आयु वर्ग के 40 लाख वोटर हैं। 18 से 39 आयु वर्ग के कुल 31 लाख वोटर हैं। इनमें से 70% इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और अधिकांश फेसबुक पर वक्त बिताते हैं। एक कंपनी के सर्वे के अनुसार 40% के करीब युवा ट्विटर एवं व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक पर सियासत का यह जाल सक्रिय सियासत से दूर युवाओं का ही नहीं बल्कि प्रमुख दलों और राजनेताओं का भी अपना एक जाल है। ये थी हरियाणा रिपब्लिक की एक रिपोर्ट। हमारे चैनल रिपब्लिक हरियाणा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।